जय राम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। अभी हम अपने ट्यूबवेल वाले खेत में हैं और पिछले 3 दिन से हमारे यहाँ खेत पर बोरिंग हो रही है। जो हमारा गांव वाला खेत है ट्यूबवेल वाला, और इस साइड में दादाजी का ट्यूबवेल है, वहाँ पर पानी आ रहा है यहाँ पर और फिर बोरिंग हो रही है। एक्चुअली में हमारे यहाँ पर सिंचाई की थोड़ी दिक्कत थी, दादाजी का ट्यूबवेल भी कम पानी दे रहा था, तो इस वजह से हमें नई बोरिंग करवानी पड़ी। और हमारे यहाँ पर जो बोरिंग होती है, ट्यूबवेल लगता है, ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाता है, वो यहाँ पर जो बोरिंग होती है वो प्रक्रिया मैनुअल तरीके से होती है अभी भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। 20 फीट पर हमारे यहाँ पर ये जो बोरिंग हो रही है इसका पानी निकल आया है। और लेकिन फिर भी जो नल लगाने वाले थे, ट्यूबवेल लगाने वाले मिस्त्री थे, उन्होंने बोला कि नहीं और नीचे ले जाते हैं, तो 60 फीट तक लेकर गए हैं और 60 फीट के बाद बंद कर दिए हैं। और आज ये तीसरा दिन है, आज एकदम पानी साफ आ रहा है, बस थोड़ा बहुत कमी है। आप ये देख सकते हैं जो बालू है जो ज़मीन के अंदर से निकला है, पूरा का पूरा खेत में पट गया है काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए पूरा बालू बालू हो गया है, इसमें पैर हमारे अंदर चले जा रहे हैं, पूरा पैर घुस जा रहा है। और ये महीन वाली बालू है, एकदम पतली महीन वाली जो होती है। और अभी लाइट चली गई है तो अभी पानी नहीं दे रहा है, अभी आएगी थोड़ी देर बाद तो फिर पानी देगा। परसों शाम से ये ट्यूबवेल चल रहा है और आज 36 घंटे हो गए हैं और आज शाम तक भी चलेगा, फिर कल हो सकता है सुबह तक चले, उसके बाद बंद कर दिया जाए, एकदम पानी साफ हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर पानी कितना नीचे है ज़मीन के अंदर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो ट्यूबवेल और बोरिंग का प्रोसेस है वो भी अगर बता सके तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो मैनुअल तरीके से होता है, 4 आदमी रहते हैं, पाइप को डालकर फिर हाथ से घुमाते हैं और फिर होता चला जाता है, फिर बाद में पक्की वाली पाइप डाल देते हैं, तो अभी लाइट आती है तो चलाते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमारे यहाँ तो 20 फीट पर ही पानी मिल जाता है। ये सामने जो दादाजी का ट्यूबवेल है ये 20 फीट पर है और हमारा 20 फीट पर पानी आ गया था, मिल गया था, लेकिन मिस्त्री ने बोला कि नहीं और 40 फीट अंदर जाने देते हैं, तो 60 फीट पर ले जाकर रोक दिए हैं। अब देखते हैं कितना सक्सेस होता है। वैसे सक्सेस रेट हमारे यहाँ पर 99% होता है जो ट्यूबवेल की बोरिंग होती है। ये देख सकते हैं पूरा बालू बालू, पूरा खेत मिट्टी मिट्टी कर दिया है, कई ट्राली बालू निकल कर सामने आए हैं। पिछले 3 दिन से यहीं पर सोना खुले आसमान में हो रहा है ट्यूबवेल पर ही, क्योंकि इसकी देख रेख करनी होती है और रात में जब कभी पानी छोड़ देता है तो उसे भी देखना होता है, और देखना होता है कि कहाँ किस खेत में पानी जा रहा है, कहीं गलत तो नहीं जा रहा है। और सामने काली माता जी का स्थान हमारे गांव में, जो हमारे यहाँ पर हर गांव में पूरब की साइड में होता है, तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं लाइट का, लाइट आ जाए फिर चालू करते हैं। Thank you.